आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद ही 2015 में उन्होंने वन रैंक वन पेंशन का कानून लाकर सेना के अनेक जवानों के घर में निर्णय किया। सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ है तो मेरे पूर्व सैनिक और सेना में भर्ती जवान है उसको हुआ है मित्रों, उसको हुआ है। बताना चाहता हूं कि दोस्तों आज हमारे पूर्व सैनिकों द्वारा अपने ऊपर होने वाले अन्याय भेदभाव के विरुद्ध जो बिगुल बजाया है उसने केंद्र सरकार की नींद हराम कर दी है। हमारी जायज मांगे जैसे विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, सर्विस पेंशन, बड्डी सिस्टम, ओआरओपी की विसंगतियां, एमएसपी में होने वाला डिस्क्रिमिनेशन, पीएमआर, जिस दिन इधर से धरना समाप्त हो जाएगा, एयरपोर्ट खत्म हो जाएगी जाने के लिए, समझ लेना कि आपको अपना सारा ही जो बकाया है, जो हक है, आपको मिल चुका है। जो आपको सीआईडी कंटीन में मतभेद है, ईटीएस में मतभेद है, और बड़े हमारे मुद्दे हैं एमएसपी पे, होना ना होना ये सब आपके हाथ में। आप एकत्रित होंगे, अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, तभी कुछ हो पाएगा। हम तो यहाँ बैठे हैं आपके, वरना हम भी आपकी तरह घरों में बैठ सकते थे। तो मैं भी यही कहता हूँ पूर्व सैनिकों को कि जो बातें करने वाले चैनल हैं उनसे बचें। वो उन्होंने सही कहा था हमारे तस्वीर जी ने कि खौदा पहाड़ और निकली चीज़, ऐसे कार्यों से दूर रहें। और आप ये सोचते हैं कि घर बैठे मिलेगा तो कभी भी नहीं मिलेगा, ये तो आप लिखित में ले सकते हैं। चैनल कह है कि जंतर मंतर पे आओ, अपनी हाजिरी लगाओ, क्योंकि बाद में बोलते हैं अब पछताया क्या काम जब चिड़ियां चोगी खेद, बाद में बोलेंगे पहले नहीं किया, अभी तो मौका है। देखो इधर जनकराज जी है, गोपाल कृष्ण स्वामी जी है, विजय हवलदार है, नन तलवार है, और हमारे बंदे जो इधर परमानेंट बैठे हैं, और एक यहाँ डेली अभी भी देखो रिपोर्ट चल रही है जंतर मंतर की, आपको डेली की रिपोर्ट इधर से ही मिलेगी। और जिस दिन आपको ये बोलते हैं ना आप कब मिलेगा कब होगा, ये है जिस दिन इधर से धरना समाप्त हो जाएगा, एयरपोर्ट खत्म हो जाएगी जाने के लिए, समझ लेना कि आपको अपना सारा ही जो बकाया है, जो हक है, आपको मिल चुका है। जो आपको सीआईडी कंटीन में मतभेद है, ईटीएस में मतभेद है, और बड़े हमारे मुद्दे हैं एमएसपी पे, पे फैक्टर, डिसेबिलिटी पेंशन, समझ लेना कि अपने पूरा हक खत मिल गया है। जैसे बंदा पेंशन जाने रिटायर होने के बाद बोलता है ना बैंक में जाकर भी उसकी पेंशन खाते में आ गई, उसका टेंशन खत्म हो जाती, मेरी पेंशन शुरू हो गया। जिस दिन ये चैनल वाले खबर देनी बंद कर देंगे उस दिन समझ लेना ये सबसे बड़ा इसीलिए किया है कि फेक अपने न्यूज़ से बचो। ऊपर लिखा आता है जब एंड तक वीडियो देखता आदमी तो निकलता कुछ भी नहीं है, खुदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है वो।